नवी मुंबई के खारघर सेक्टर 34A के इलाके में इन्फिनिटी किड्स प्री स्कूल ने अपने प्रीमाइसेस को बढ़ाते हुए 4-स्टोरी बिल्डिंग में ग्रैंड उद्घाटन किया। इस वक्त उद्घाटन के प्रमुख अतिथि एक्स कॉर्पोरेटर खारघर, फोरम अध्यक्ष लीना गरड़ मैडम समेत प्रशासकीय अधिकारी, पुलिस इंस्पेक्टर अर्जुन गरड़, असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर अरुण पढ़ार, पुलिस सब इंस्पेक्टर अंजना गायकवाड़, खारघर फोरम समन्वयक मधु पाटिल, प्राध्यापक मिलिंद ठोकले, एडवोकेट बालेश भोजने, एडवोकेट अहमद अहिरवाड़ी, एडवोकेट आशीर्वाद सदाशिव, एडवोकेट दिग्विजय शिंदे समेत बड़ी संख्या में खारघर के रहवासियों ने उद्घाटन के मौके पर उपस्थिति लाकर इन्फिनिटी किड्स प्री स्कूल को बढ़ावा देते हुए शुभकामनाएं दी। इन्फिनिटी किड्स प्री स्कूल के प्रिंसिपल आफरीन काजी ने सभी मान्यवर को आश्वासित किया कि वो बच्चों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए होलिस्टिक एजुकेशन से बच्चों का पंचकोशक डेवलपमेंट करेंगे, जहां बच्चों के कल्चर, फिजिकल हेल्थ एंड सोशल डेवलपमेंट को विकसित करेंगे। एडवोकेट तैयब अहिरवाड़ी ने बताया कि बढ़ती महंगाई को ध्यान में रखते हुए खारघर के अधिक स्कूल के मामले में 50% मात्रा में कम फीस लेकर वे बच्चों को बड़े प्रीमाइसेस में सभी फैसिलिटी के साथ अच्छा एजुकेशन देते हुए जल्दी प्राइमरी एजुकेशन स्टार्ट करने के लिए आश्वासित किया। इन्फिनिटी किड्स प्री स्कूल के चेयरमैन शाहजीन अहिरवाड़ी ने बच्चों को अच्छा कॉन्फिडेंस देने के साथ बच्चों के अंदर स्टेज कॉन्फिडेंस डेवलप करेंगे। एडवोकेट तैयब अहिर जो हमारे कॉलोनी फोरम के कोर टीम मेंबर हैं, उन्होंने काफी एफर्ट डाल के आज इनका हमारे मित्र एडवोकेट तैयब जो कॉलोनी फोरम के कोर मेंबर है, उनका आज एडवोकेट तैयब अहिरवाड़ी एजुकेशन सोसाइटी का इंफिनिटी प्री स्कूल का ओपनिंग हुआ है। हम लोग पिछले साल ही एक दो गाले में उनका स्कूल का ओपनिंग किया था। आज लगभग एक 4 माले की छोटी सी इमारत, उसमें इंफिनिटी स्कूल का और ओपनिंग किया गया है। तो एक साल में उनकी प्रगति देखते हुए ऐसा लगता है कि इन्होंने जो बच्चों को एजुकेशन दिया है और जो फीस में एजुकेशन दिया है, इसलिए उनकी स्कूल में बच्चों की डिमांड ज्यादा है। वो हिसाब से उनको अपना एक्सपांशन करना पड़ा और आज उनका ओपनिंग हुआ। तो मैं इस मौके पे उन्हें ये शुभेच्छा देना चाहता हूँ कि उन्होंने और इससे ज्यादा से ज्यादा प्रोग्रेस करें और पंडित महापालिका क्षेत्र में उनके एजुकेशन सोसाइटी का नाम हो, साथ ही साथ उनको मिले हुए इस सक्सेस में कुछ बच्चों को फ्री का एजुकेशन किसी को कम फीस में मिले, यही ये समाज के लिए देना रहेगा। और ये उन्होंने डिक्लेयर किया है और वो करेंगे, हमें इसकी आशा है। और हम कॉलोनी फोरम की ओर से उनको कुछ भी मदद लगेगी तो हम उसके लिए जरूर खड़े रहेंगे, ये हम लोग आश्वासित करते हैं। और उनको बहुत सारी शुभकामनाएं के साथ में यही रुकता हूँ। धन्यवाद। धरण आणि विस्तार झालेला आहे आणि विस्ताराचा आता नवीन एका इमारतीमध्ये मोठ्या प्रमाणावर त्यांनी कामकाज आता घेतलेलं आहे। तर इन्फिनिटी किड्स प्री स्कूल चे जे तय्यब भाई आहेत, आफरीन मॅडम आहेत प्रिन्सिपल आणि सर्व स्टाफ यांना मी सर्वांना शुभेच्छा देतो। असेच त्यांनी एक एक यासाठी शिकले गाठत जावी यासाठी त्यांना शुभेच्छा देतो। धन्यवाद। बसा हुआ है 2005 से, यहाँ पे जो भी क्राउड है मिडिल क्लास हायर एजुकेटेड है और हाई क्लास क्राउड है। यहाँ पे खारघर की जो हमने महंगाई देखी है, कोई भी स्कूल में जाओगे तो 50,000 से लाख रुपए की करीब महंगाई है एजुकेशन प्री प्राइमरी सिस्टम में।
तो इस एजुकेशन को हमने नजरअंदाज करते हुए ध्यान में रखते हुए हमने प्री प्राइमरी सेक्शन अभी लास्ट ईयर स्टार्ट किया है। तो हमने छोटा सा सेक्शन स्टार्ट किया था, वहाँ पे हमको कारगर सेक्टर 30, 34, 35, 40 इन लोगों ने इतना सा कार्य किया कि हमारा लास्ट ईयर में मैक्सिमम एडमिशन हो गए। हमारा प्रीमाइसिस हमको छोटा पड़ने लगा, इसको अकॉर्डिंग हमने G+4 का स्टोरेज का बिल्डिंग लिया, वहाँ पे हमारा पूरा एजुकेशन का सेटअप बिठाया और वहाँ पे हमने प्रीमाइसिस को स्टार्ट कर दिया है। आज हमारा इनोग्रेशन हुआ है, तो हमने झारखंड के वासियों के लिए एक नया धोरण किया है कि कम से कम फीस नई मुंबई में जो कि लाख रुपए फीस है, तो हम लोग 50% फीस में बच्चों को अच्छा क्वालिटी का हायर एजुकेशन देंगे। हमारा जो करिकुलम है CBSE करिकुलम हमने लिया है, उसमें इंग्लिश मीडियम का हमने स्कूल किया है। यहाँ पे जैसे कि अगर हम देखेंगे CISF का स्टाफ है, तो CISF के स्टाफ को हमने स्पेशल डिस्काउंट रखा है ताकि उनके भी बच्चों को बेनिफिट मिले, सेंट्रल गवर्नमेंट का स्टाफ है। हमारे जो टीचर्स है, टीचर्स के लिए हमने ब्रेकफास्ट फैसिलिटी रखी थी, जो कि टीचर्स घर से सुबह उठ के 8 बजे आते हैं, कोई लंच करता है, ब्रेकफास्ट करता है, नहीं करता है, यहाँ पे उनको अलग से किचन फैसिलिटी अवेलेबल की है जिसका हमने कोई चार्ज नहीं रखा है। जो सिंगल पेरेंट्स है, जो पीड़ित है, इनके बच्चों को ऐसे हर साल हमने 10 बच्चों को मुफ्त शिक्षा देने का हमने धोरण किया है। साथ ही में हमारे जो स्कूल के प्रिंसिपल है आफरीन काजी मैम, इन्होंने रात दिन मेहनत करके स्कूल को बड़ा किया है। सर्कुलर सेक्टर 34, 35, छत्रपति भाग्यश्री, इन सभी एरिया के रहवासियों को हम लोग यही आवेदन करेंगे कि आपको इसी तरह सरकार कहते हैं, हम मैक्सिमम बच्चों को अच्छे से अच्छा एजुकेशन, क्वालिटी एजुकेशन कम फीस में हम लोग दे के यहाँ पे सुविधाएं उपलब्ध करेंगे। एजुकेशन सोसाइटी के माध्यम से इंफिनिटी किड्स प्री स्कूल में हम बच्चों को होलिस्टिक एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं। यहाँ पे हम लोग बच्चों का कल्चर पोषण डेवलपमेंट के हिसाब से हम बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं, जिसमें बच्चों का कल्चरल डेवलपमेंट, फिजिकल डेवलपमेंट, हेल्थ डेवलपमेंट, सोशल इमोशनल लर्निंग, ये सब चीजों को हम बच्चों को पढ़ाते हैं। तो हम यहाँ के जो हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के जो भी एम्प्लॉइज है या उनके बच्चों को हमने मिनिमम मैक्सिमम डिस्काउंट देके हम उन्हें एडमिशन प्रोवाइड करते हैं और पूरे कारगर में सबसे कम मात्रा फीस में हम लोग बच्चों को एजुकेशन देते हैं। जैसे कि हमने अभी बच्चों को हम होलिस्टिक सिलेबस प्रोवाइड कर रहे, तो हमारा आगे का विजन यही होगा कि हमारा जो एजुकेशन क्वालिटी है वो अच्छे से अच्छा क्वालिटी हो और हमारे पास जो भी बच्चे आए उनका सोशल डेवलपमेंट हो।